हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यूनिंग कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं, आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज यहाँ पर जानते हैं गाइस। तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, द चैरियट, और ये आपके लिए द सन एंड सेवन ऑफ कप्स की फीलिंग्स में बने हुए हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं आपकी तरफ, बट इनको लगता है कि इनका और आपका मैच एक तरह से अनइक्वल है। ये आपके लिए खुद को एक परफेक्ट पर्सन की तरह नहीं मांग रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाई इन्होंने कुछ चैलेंजेस या फिर कुछ खुद के लिए इन्होंने डिसाइड किया है और कुछ गोल्स इन्होंने सेट किए हैं कि जब तक ये खुद को आपके काबिल नहीं बनाते तब तक ये आपकी तरफ हो सकता है किसी तरह का कोई प्रॉमिस नहीं रखना चाहते, या फिर कोई एक क्लैरिटी जो भी आप सीख कर रहे हो ये आपको शो नहीं करना चाहते। हो सकता है बहुत सारे मैस्कुलिन्स यहाँ पर आपके साथ एक कन्फ्रंटेशन अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ये अननोन फियर्स में अभी भी बने हुए हैं। बहुत सारी बातें इनको ऐसी लगती हैं कि आपके साथ कुछ वेज में जस्टिस नहीं हो पाएगा, यू नो। बहुत सारे लोगों के लिए इफ़ इट इज़ अबाउट द मनी मैटर गाइस, तो आपके मैस्कुलिन्स को लगता है कि ये फाइनेंशियली इतने रेडी नहीं हैं कि आपकी तरफ एक जस्टिस प्रेजेंट कर सके, क्योंकि मैस्कुलिन्स हमेशा अपनी फेमिनिन्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से वो गिविंग रहना चाहते हैं अपनी फेमिनिन्स की तरफ। मतलब मैं आपको श्योर मैस्कुलिन्स का कैरेक्टर बता रही हूँ, जो भी लोग डिवाइन मैस्कुलिन के कैरेक्टर्स में होते हैं वो अपनी फेमिनिन को एक परफेक्ट लाइफ देने के सपने में होते हैं। मतलब ये ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं करना चाहते आपकी तरफ जहाँ पर इनको लगे कि कुछ ये लीस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं, लीस्ट ऑफर कर रहे हैं। ऐसा ये कुछ भी आपकी तरफ दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, ऑफर नहीं करना चाहते। तो यस ऑफ कोर्स यही एनर्जी मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन को लगता है कि ये अभी आपके मैच में नहीं आते हैं, इसीलिए ये शायद आपसे वॉक अवे हो गए हैं या फिर कुछ टाइम इन्होंने आपसे ब्रेक ले लिया है। ये अपनी फीलिंग्स को शायद छुपा रहे हैं आपसे, अगर ये फियर में भी हैं तो शायद ये आपसे वो सारी बातें नहीं बता रहे हैं, और रादर ये आपकी तरफ या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड बने हुए हैं या फिर टोटली इनएक्टिव हो चुके होंगे। ये बिल्कुल भी किसी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं दिखा रहे होंगे आपकी एक्टिविटीज़ में। अगर आप इनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हो तो या तो ये बिज़ी होने का बहाना शो करते होंगे या फिर कहीं पर ये मतलब खुद को इस तरह से बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझकर कि ये कुछ टाइम आपसे ऑफ ले सके। अपने एंड पर ये बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकें, करेक्ट कर सकें, फिक्स कर सकें, तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। ये एक ऐसी एनर्जी है ना गाइस जहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। मतलब ये आपको खोना भी नहीं चाहते, एट द सेम टाइम ये अभी आपकी तरफ कुछ क्योंकि प्रेजेंट नहीं कर सकते इसलिए आपकी तरफ आना भी नहीं चाहते। बट हाँ, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इन द चैरियट एनर्जीज ये बहुत जल्द खुद को रेडी करके आपकी तरफ एक एक्शन रख सकते हैं। एटलीस्ट ये आपको इस तरह के जेस्चर्स शो कर सकते हैं कि ये आप ही के लिए किसी काम में बिजी हैं, आप ही को ये कुछ देना चाहते हैं या फिर आपकी तरफ अगर ये कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं तो उसके लिए ये कुछ कर रहे हैं, कुछ मतलब अपने करियर पर या फिर अपने एंड पर जो भी ये कर सकते हैं वो शायद वहाँ पर बिजी हैं, इस तरह से ये शो कर सकते हैं गाइस। ओके, क्योंकि द सन एंड सेवन ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट ये आपको पाकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। मतलब आप इनकी एक अल्टीमेट डिज़ायर हो, आपका इनकी लाइफ में होना इनके लिए एक किसी गिफ्ट से कम नहीं है, एक रिवॉर्ड से कम नहीं है, और ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं।
इसीलिए ये एक द चैरियट बने हुए हैं। इन्हें पता है कि अगर मैं मेरी फेमिनिन के लिए अब नहीं कुछ कर सका तो फिर मैं कभी कुछ नहीं कर सकूंगा या कर सकूंगी। इसलिए वो खुद को बेहतर बनाने के लिए किसी एक जर्नी पर निकल पड़े हैं। लिटरल जर्नी भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पर, कि अगर आपके पर्सन जॉब के लिए बाहर किसी कंट्री में जाकर जॉब करना चाह रहे हैं तो ये भी एक सिनेरियो हो सकता है बहुत लोगों के लिए गाइस। तो शायद ये फिगर आउट करने की कोशिश करें कि आपके लिए जब इन्हें खुद को बेहतर बनाना है तो ये क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए सेवन ऑफ कप्स के एनर्जीज में बने हुए हैं। बेबी बहुत कुछ इन्होंने सोच रखा होगा, बहुत सारे प्लानिंग्स इनके पास ऑलरेडी बने होंगे, करियर फ्रंट को लेकर ऑप्शंस होंगे और इवन बहुत सारी अदर चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं गाइस। आई जस्ट डोंट नो, मुझे लगता है कि इवन इनकी लाइफ में अगर बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपके पर्सन सिंगल हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर द मैरिज थिंग, तो आप भी इनके लिए एक ऑप्शन हो और इनके लाइफ में बहुत सारे और भी ऑप्शंस होंगे, बट इन्होंने चूज आपको किया है। बट जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में एक जो चीज़ बताई थी कि आपकी किसी एक्टिविटी से या आपकी लाइफ में एक इवेंट ऐसे टर्न हुआ है जहाँ पर ये खुद को आपके काबिल नहीं समझते, आपके उस हद तक के लायक पार्टनर नहीं समझते। इन्हें लगता है कि इन्हें और भी बहुत कुछ अपने एंड पर चेंज करना पड़ेगा। तो शायद आपके पर्सन इसी बात को लेकर एक चैरियट वाली एनर्जीज में आ गए हैं। मे बी दे रियली वॉन्ट टू अचीव दिस, दे रियली वॉन्ट टू विन दिस, और इसलिए ये जो भी कर सकेंगे आपको जस्टिस देने के लिए ये शायद करने निकल पड़े होंगे गाइस। तो यही एनर्जी इनकी। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं। द हायरोफेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स। तो गाइज आप भी इनको लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह के इनर स्ट्रगल में बने रहते हो, आप इनसे बहुत कुछ कहना चाहते हो, आपकी भी बहुत सारी फीलिंग्स हैं, डिज़ायर्स हैं इनको लेकर, लेकिन आप इनसे हर एक बात खुलकर नहीं बता पाते होंगे। वजह ऐसी होगी कि आपको पता है कि इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। मे बी दे आर रियली वेरी बिजी एट देयर करियर फ्रंट, एक चीज़ हो सकती है, या फिर इनकी लाइफ में कोई एक ऐसा गोल है जो आपको पता है। अगर ये बहुत ज़्यादा किसी पैशन पर वर्क कर रहे हैं, किसी हॉबी पर वर्क कर रहे हैं, तो आप इनका सपोर्ट करते हो। आप इन्हें ऐसे लेवल से अंडरस्टैंड करते हो जहाँ पर इन्हें वर्ड्स में कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। आपका इंट्यूशन इनके साथ जुड़ा हुआ है, आपका हायर सेल्फ इनके साथ जुड़ा हुआ है, आप इन्हें मोटिवेट करते हो, आपको पता है कि ये क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आप वेट कर रहे हो कि जब तक ये किसी एक सक्सेस को अचीव नहीं कर लेते, अपने किसी गोल को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर लेते, तब तक आप इनका इंतज़ार करना प्रेफर करते हो। आप इन्हें किसी भी मामले में पुश नहीं करना चाहते। आज हमने आपकी बैलेंस वाली एनर्जीज देखी थी, तो आप हर एक सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हो। यहाँ पर आपका बस एक नुकसान ये हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर में बने हुए हो, आप इनके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। मे बी यू गाइज आर रियली वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पर्सन, तो वो अट्रैक्शन आपको रेजिस्ट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये आपकी तरफ कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, एंड आप इमोशनली इनसे इस हद तक अटैच्ड हो कि आप अपनी फीलिंग्स को इनकी तरफ एक रेजिस्टेंस में बनाकर रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया होगा। तो इस वजह से ये आपके लिए एक डिफ़िकल्ट चीज़ हो सकती है गाइस, लेकिन आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे हो कि दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ्स, और आप इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मतलब ये एक सेक्रीफाइस ही मैं कहूँगी कि जब आप इनके लिए इस हद तक की फीलिंग्स फील करते हो, जब आप इनको इस हद तक चाहते हो, तो आप अपनी फीलिंग्स को इस तरह से प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। खुद को एक बैलेंस में लाने की कोशिश कर रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। तो इस दौरान हो सकता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स खुद को स्पिरिचुअलिटी के एक हायर अपग्रेडेड वर्जन में चैनल करने की कोशिश कर सकेंगी। शायद आपका यही प्लान होगा कि अगर मैं यहाँ पर एक स्टेप अहेड नहीं रख सकती, क्योंकि इस जर्नी पर चलना यानी कि आपके पर्सन की वहाँ पर एक रजामंदी होनी बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन जब आपके साथ चल रहे हैं तभी आप एक डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे। जब आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि मुझे करियर पर काम करना है या फिर मुझे किसी और चीज़ पर काम करना है, तो आप इन्हें अलाउ कर रहे हो। वजह ये है कि आप जानते हो कि जब तक ये अपनी उस डिज़ायर को अचीव नहीं कर लेते, तब तक ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे भी नहीं।
तो इस दौरान आप क्या करोगे? तो आपने सोचा होगा कि आप या तो स्पिरिचुअलिटी परसू करोगे यहाँ पर, या तो फिर आप अपने लाइफ पर किसी हायर वर्जन की तरफ खुद को चैनल करने की कोशिश करोगे। एंड वन मोर थिंग हियर, आप इस पर्सन के साथ इंट्यूशनल लेवल्स पर भी बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट करते हो, यानी कि एक स्पिरिचुअल यूनियन हो चुका है आपका। आप इस पर्सन को पहचान चुके हो। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी कहती है कि बहुत लोगों के लिए एक सोलमेट भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने अपने लाइफ के जर्नीज बहुत ही ब्यूटीफुली तय किए हैं, और इस पर्सन तक अगर आप पहुंचना चाहते हो तो बस आपको थोड़ा और पेशेंस यहाँ पर रखना पड़ेगा। वजह ये है कि मे बी दिस पर्सन इज स्टिल गोइंग थ्रू सम कार्मिक फेज, या फिर ये भी अपने किसी ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजर रहे होंगे, क्योंकि सोलमेट तक पहुंचने के लिए आपको ट्विन फ्लेम जर्नी तय करना ही पड़ता है गाइस। तो या तो ऐसा मैटर होगा यहाँ पर, या फिर आपके अगर यही पर्सन ट्विन फ्लेम्स में है तो शायद इनका कोई कार्मिक पैटर्न ज़रूर होगा, और ये उस कार्मिक पैटर्न को एंड कर कर आपके पास आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप इनके लिए सपोर्टिव हो, आप इन्हें इंस्पायर कर रहे हो, आप यहाँ पर जिद नहीं करना चाहते, आप सारी चीज़ें यूनिवर्स पर सरेंडर करना चाहते हो। आपकी भी लाइफ की बहुत सारी प्लानिंग्स होंगी, आपके भी कुछ गोल्स सेट आपने किए होंगे, तो आप उसी पर वर्क करना चाहते हो। एंड मे बी एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पर्सन कि लाइफ में अगर और भी ऑप्शंस हैं गाइस, ये चीज़ थोड़ी सी आपको परेशान करती है। बस ये एक ही आप लोगों के लिए एक स्ट्रगल हो सकता है कि इनकी लाइफ में और भी अगर ऑप्शंस हैं तो आप ये सोचते होंगे कि पता नहीं यहाँ पर क्या होगा। जबकि इंट्यूशनल लेवल्स पर भी आप कनेक्टेड हो, इस पर्सन का इंटरेस्ट भी आप देखते हो कि ये कितने पैशनेट हैं आपको लेकर, बट स्टिल फिर भी आपको एक हल्का सा डाउट होगा कि अगर ये किसी और को चूज कर लेते हैं तो मेरा क्या होगा। तो ये भी एनर्जी आपकी हो सकती है गैस, बट स्टिल यू बिलीव इन देम, और आप लोगों का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल्स पर है, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर। सिक्स ऑफ कप्स की भी एनर्जीज है गैस। या तो आप इस पर्सन को बचपन से जानते हो, ये भी सिनारी हो सकता है, मतलब कि अगर ये प्यार बचपन का प्यार है तब भी, अगर ये पर्सन आपको बचपन में ही मिल चुके थे तो ये भी एक सिनेरियो यहाँ पर हो सकता है। तो इस पर्सन के बिहेवियर्स को, इनकी आदतों को आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसलिए इन पर इस हद तक का ब्लाइंड ट्रस्ट है आपको। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। फाइनली वेयर दिस सिचुएशन इज लीडिंग, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो यस, यहाँ पर एक जो चीज़ मैं देख रही हूँ गाइस, कि या तो आप यहाँ से कुछ टाइम के लिए वॉक अवे करोगे, या फिर आपके पर्सन यहाँ से कुछ टाइम के लिए वॉक अवे करेंगे टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन। मतलब अगर आपके पर्सन ऑलरेडी वॉक अवे हो चुके हैं तो ये शिफ्ट आपके साथ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके पर्सन अभी तक वॉक अवे नहीं हुए हैं तो बहुत जल्द ये कुछ टाइम ब्रेक लेंगे आपसे, या तो ये लिटरली किसी जर्नी पर चले जाएंगे गाइस कुछ अचीव करने के लिए, ये एक चीज़ हो सकती है। या फिर अगर यहाँ से आप वॉक अवे करने वाले हो, क्योंकि आपके लिए फीलिंग्स वाइज इस पर्सन से दूर रह पाना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि एक अट्रैक्शन ऐसा होगा आपके और इनके बीच में, वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होगा, और ये दोनों ही महसूस करते होंगे आप लोग। जब भी ऐसा कोई अट्रैक्शन आप महसूस करते हो तो आप दोनों एक दूसरे से भागने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इतनी जल्दी आप लोगों की यूनियन होने नहीं वाली है, तो आप दोनों का साथ यहाँ पर स्टिल इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप दोनों एक ही चीज़ करते होंगे कि या तो आप इनसे वॉक अवे हो जाते हो, या फिर ये आपसे वॉक अवे हो जाते हैं। वो सेपरेशन आप जानबूझ कर लेकर आते हो, क्योंकि पता है कि जो अट्रैक्शन है, जो मैग्नेटिक पुल है, वो इतना ज़्यादा इंटेंस है कि आप दोनों हैंडल नहीं कर पाते। तो आप दोनों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली बैलेंस्ड लोग हो, प्रैक्टिकल लेवल्स पर भी बैलेंस्ड लोग हो, और आपको पता है कि कब आपको इमोशनली खुद को एक बाउंड्री में रखना चाहिए। तो उस तरह से आप खुद को या मतलब एक दूसरे को बाउंड्रीज दे देते हो, तयशुदा बाउंड्रीज, और
कहते होंगे कि इतनी ही बाउंड्रीज में हमें अभी रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ पॉसिबल ही नहीं है, है ना। तो ये एक एनर्जी हो सकती है गाइज यहाँ पर जो प्रोसीड होने वाली है। आप दोनों वापस से अपने या तो करियर पर बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक बनने वाले हो, या फिर आप अपनी अपनी लाइफ में कुछ टाइम के लिए बिजी होने वाले हो और इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा एक ब्रेक देने वाले हो ताकि ये भी इस कनेक्शन के नेक्स्ट लेवल पर वर्क कर सकें और आप भी इस कनेक्शन पर इस तरह से वर्क कर सकें कि इस पर्सन को आप मोटिवेट कर सकें इनके गोल्स को परस्यू करने में, ताकि ये जल्द से जल्द अपने उन सारे गोल्स को कंप्लीट करके आपकी तरफ एक एस ऑफ कप्स लेकर आ सके। मतलब यहाँ पर आप एक म्यूजिशियन वाली एनर्जीज में हो, आपको पता है कि कब कौन सा शिफ्ट कैसे टर्न करना है और उसी वेज में आप इस पर्सन के साथ बने रहते हो। जब आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ इंटेंस लेवल्स पर शिफ्ट हो रहा है तो आप विड्रॉ कर लेते हो, और जब आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं तो आप इनके पास कम बैक करते हो, और साथ ही साथ आप इस पर्सन को इनके गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करते हो। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्शन गाइस। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे वाइब ऐसी आती है यहाँ पर कि मे बी दिस पर्सन इज योर सोलमेट, बहुत ही लीस्ट लोगों के लिए, या फिर मैं कह सकती हूँ 50-50 यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग होंगे कि ये जो शिफ्ट है उन लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रेजोनेट कर रहा होगा, जो 50% लोग ऐसे भी होंगे जो अपने सोलमेट्स के लिए देख रहे हैं तो उन लोगों के साथ भी ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर सकता है गाइस। तो यू गाइस बेटर नो कि ये पर्सन कौन है, फाइन, बट हाँ आप दोनों ही इक्वल लेवल्स के स्पिरिचुअल पार्टनर्स हो, आप दोनों की स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पर हो चुकी है और आप दोनों यहाँ पर ना टेलीपैथिक वेज में कम्युनिकेट करते होंगे, यानी कि आपको वर्ड्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, एक दूसरे के मूड्स को आप अंडरस्टैंड करते हो, बहुत ईजीली अंडरस्टैंड कर सकते होंगे, और अगर ये परेशान है तो आप अंडरस्टैंड कर लेते होंगे कि ये परेशान है, एंड वाइस वर्सा ये भी आपके हर मूड को बहुत अच्छे से भांप लेते होंगे। तो इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है गाइस, तो इसी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को स्पेस देने वाले हो फॉर अ वाइल, ताकि आप अपने अपने इंडिविजुअलिटी पर ब्यूटिफुली वर्क कर सकें और खुद को एक बेटर वर्जन में चैनल कर सकें, साथ ही साथ इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जितना भी एफर्ट लगता है वो आप एफर्ट यहाँ पर रखना चाहते हो और इस पर्सन को मोटिवेट भी करना चाहते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं गाइस। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यूनिवर्स अगर आपको एक कोई साइन देना चाहता है तो वो क्या है, तो यहाँ पर फ्रीडम वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं गाइस। तो ऑफकोर्स जिस तरह से मैं आपको बता रही थी कि आप दोनों ने एक दूसरे को इस रिलेशनशिप में बहुत ही ब्यूटिफुली फ्रीडम देकर रखा है कि ये अगर अपने किसी गोल पर काम कर रहे हैं तो आपने इन्हें फ्रीडम देकर रखा है, एंड जस्ट लाइक दैट आप भी अपनी लाइफ में कहीं बने हुए हो। अगर सोशलाइजिंग आप ज़्यादा करते हो तो आपके पर्सन ने भी आपको उस हद तक की फ्रीडम दे रखी है, तो स्पेस इसलिए दिया होगा ताकि आप दोनों ही अपने अपने उस इंडिविजुअल सेल्फ को अच्छे से इंजॉय कर सकें, सेल्फ लव में बने रह सकें, क्योंकि आप दोनों ने ही एक लाइफ का फेज ऐसा देखा होगा जहाँ पर हर तरीके की चीज़ें आप लोगों ने एक्सपीरियंस की होगी। तो अब आप दोनों लाइक माइंडेड लोग हो और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हो और एक दूसरे की फ्रीडम की भी इज्जत करते हो, इसलिए शायद आप दोनों वो फ्रीडम इस कनेक्शन में एक दूसरे को देते हो और यही आपको करना चाहिए, यही यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है गाइस। ऑलराइट, तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। एक चैनल सॉन्ग जरूर लेते हैं गाइस यहाँ पर कि आपके पर्सन की ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या कहती हैं। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।